डिप्टी एमएलए बनाया है वो लोग खुद ही क्लेम करते हैं, तो इससे लगता है कि शायद उसका उनका बीजेपी का घर में कुछ गड़बड़ चल रहा है आपस में, ऐसे लगता है। हम लोग तो कुछ बोला नहीं है, हम लोग को तो कोई पूछा भी नहीं है। और को लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं कि कांग्रेस पार्टी चुप क्यों है। कांग्रेस पार्टी हम लोग देख रहा है कि उन लोग का घर में अंदर में क्या क्या हो रहा है, हमको हम लोग तो घुस नहीं सकते ना। सर हम एक अलग क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आप, हालांकि ये मुद्दा का साथ नहीं जुड़ा है। हाँ सर, स्टेट में हम लोग का देखा जाए तो अभी बहुत सारा बर्निंग इशू चल रहा है, जैसे कि एपीपीएससी जो फेस्को हो गया और बहुत सारा ऐसे जो प्रोटेस्ट हो गया, सर उसमें आप लोग आपका क्या कॉमेंट रहेगा, क्योंकि आप फॉर्मर सीएम रह चुके हैं, बहुत सारा आपका एक्सपीरियंस है सर, उसमें क्या कॉमेंट रहेंगे आप? एपीएससी में जो पेपर लीक का जो इशू है वो तो बहुत गलत है, निंदनीय है, और इस प्रकार से काम नहीं करना चाहिए था। लोगों का विश्वास को तोड़ा है, हर आम जनता का विश्वास को, जो विशेष करके नौजवान युवकों का जो विश्वास है, जो अभी जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो पढ़ रहा है उनका भविष्य के लिए, उसका विश्वास को ख़त्म किया है। तो इसलिए हर सिटीजन अरुणाचल का कोई भी सिटीजन उसको निंदा करेगा, और उसको सरकार करी से करी एक्शन लेना चाहिए, जो भी ले सकते हैं लेना चाहिए। वो करी रहा, हम न्यूज़ में देखा था कि वो केस इंक्वायरी चल रहा है और एक्शन भी ले रहा है, कोई अरेस्ट भी हो रहा है, और सीबीआई को भी केस रिपर किया है, उनका जांच होगा और आगे फ्यूचर के लिए इस प्रकार से घटना नहीं घटने के लिए नहीं होने के लिए सरकार अच्छा से कानून बनाना चाहिए, उसका जो गाइडलाइन तैयार करना चाहिए। सर अभी का समय में सोशल मीडिया में अगर देखा जाए तो आई सपोर्ट पेमा खांडू बोल के बहुत बड़ा एक मुहिम चल रहा है, बहुत सारा एमएलए अपना डीपी को चेंज करके आई सपोर्ट पेमा खांडू लगाया है। तो सर आप लोग, आप जो कांग्रेस कमेटी से कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, बहुत फॉर्मर सीएम रह चुका है, आपको क्या लगता है सर बीजेपी में क्या मतभेद हुआ है क्या कुछ ऐसे, मतलब दो पार्टी हुआ है क्या सर? मैं भी तो मीडिया में ही सुनता हूँ, आप लोग का जरिए हम लोग को देखने के लिए मिलता है, सुनने के लिए मिलता है, और पब्लिक लोग बताते हैं कि वहाँ अलग अलग का विषय से अलग अलग का प्रोग्राम चल रहा है, और अपना पार्टी पे अगर सपोर्ट लीडर को करता है तो करेंगे, उसको हमें क्या कहेगा, हम जो अलग पार्टी है ना, बीजेपी पार्टी के अंदर में अगर उसका लीडर को अगर कोई वर्कर सपोर्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, जो बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, उसका तो हम गलत बोला बोल के तो नहीं बोल सकेगा ना। सर ऐसे क्या मुसीबत आ गया कि एक समय में ही वो लीडर को सब लोग सपोर्ट करना शुरू कर दिया? हाँ वो तो यहाँ धरना बैठने वाला से भी सुनता हूँ कि वो बोलता है कि हम बीजेपी है, हम बीजेपी को भूत मारा है, एमपी को भूत मारा है, एमएलए को भूत मारा है, मुख्यमंत्री बनाया है, मंत्री बनाया है, और जो लोग पैदल से यात्रा जाने वाला पार्टी, धरना बरतने वाला पार्टी, वो लोग भी बताते हैं कि हम बीजेपी पार्टी का ही कार्यकर्ता हूँ और बीजेपी को भूत दिया है, बीजेपी का सरकार हमने बनाया है, मंत्री हमने बनाया है, केंद्र मंत्री भी बनाया है, एमपी एमएलए बनाया है, वो लोग खुद ही क्लेम करते हैं। तो इससे लगता है कि शायद उसका उनका बीजेपी का घर में कुछ गड़बड़ चल रहा है आपस में, ऐसे लगता है। हम लोग तो कुछ बोला नहीं है, हम लोग को तो कोई पूछा भी नहीं है, और को लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं कि कांग्रेस पार्टी चुप क्यों है। कांग्रेस पार्टी हम लोग देख रहा है कि उन लोग का घर में अंदर में क्या क्या हो रहा है, हमको हम लोग तो घुस नहीं सकते ना, लोग तो आपस का मामला है ना, वो लोग आपस में बात करने दीजिए। सर अब एससी का टीम को क्या कहेंगे दिल्ली में जो रह रहा है? सर एडिंग टू हर क्वेश्चन, एसी बोल रहे हैं कि पेमा गवर्नमेंट में बहुत सारे करप्शन हो रहे, आपको क्या लगता है करप्शन हो रहा है क्या? करप्शन तो दुनिया में हो रहा है, देश में भी हो रहा है, हर प्रदेश में हो रहा है, और अरुणाचल में तो करप्शन तो पहले से है, और जो भी सरकार में है उसका ऊपर में एलिगेशन तो आता है, उसका कंट्रोल करना, उसको कंटेन करना और उसको करप्शन को रोकने का काम तो वो अथॉरिटी का होता है, वो सरकार का ही होता है, जो अथॉरिटी में है चेयर में है वो लोग कंट्रोल करना है, जो मालिक है वो कंट्रोल करना है, क्योंकि जो पैसा सेंटर से आओ वो पब्लिक का टैक्स पेयर पैसा है, स्टेट से आओ वो भी हमारा जो रिसोर्सेज का पैसा है, जो हमारा टैक्स कलेक्शन से अलग अलग सोर्सेज से जो आते हैं, जो टैक्स रिवेन्यू से, नॉन टैक्स रिवेन्यू से, हर प्रकार से लोग आते हैं, हम जो खरीदते हैं सब कुछ खरीदते हैं वहाँ, तो जीएसटी करते हैं, तो हम सभी लोग, चाहे मीडिया हो या आम जनता हो,
या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, हम सब टैक्स देते हैं। जो भी कुछ खरीदते हैं हम टैक्स देने वाला है। वी ऑल इक्वली इम्पोर्टेंट, वी आर टैक्स पेयर। तो हमारा टैक्स पेयर जो टैक्स के कलेक्शन वाला पैसा को उसको मिसयूज होने नहीं देना है, गलत तरीका से इस्तेमाल नहीं करना है, उसको सही काम में लगाना है, रास्ता बनाने में, स्कूल हॉस्पिटल बनाने में, आपका जो खेती बागान और अनेक प्रकार का जो प्रोजेक्ट काम करवाने में लगाना चाहिए, लोगों का सुविधा के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसके लिए पैसा को लगाना चाहिए। अगर कोई जिस प्रकार से जो एलिगेशन आ रहा है आरटीआई से, अगर वो सही है तो गलत है, उसका इंक्वायरी होना चाहिए। मेरा कोलीग ने जैसे आपको पूछा है कि सर करप्शन को बारे में आप लोग भारत जोड़ो जो यात्रा आप लोग चलाए थे, तो पूरा अरुणाचल में आप भी दौरा किया है, कांग्रेस कमेटी भी आपका दौरा किया है, तो आप लोग गांव में जाके क्या दिखाए? सर में कुछ रोड डेवलपमेंट रोड सेक्टर में हो गया या आपका जो कम्युनिकेशन में कैसे सर डेवलप हुआ है कि पूरा करप्शन ही हुआ है? देखिए भारत जोड़ो जो यात्रा है वो एक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का एक मूवमेंट है, और ये मूवमेंट भारत जोड़ो यात्रा क्यों तय किया है जो कांग्रेस पार्टी, विशेषकर जो राहुल गांधी जी का लीडरशिप में, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपका जैसे मीडिया लोग मेजर इश्यूज है, जो इम्पोर्टेंट इश्यूज है देश का, विदेश का, और आपका लोकल जो रीजनल इश्यूज है, जितना इश्यूज को आवाज़ नहीं बन पा रहा था, नहीं सुन रहा था, पार्लियामेंट में हमारा एमपी लोग या ऑपोजिशन पार्टी लोग कुछ भी आवाज़ वहाँ उठाने से उसको तो अरेस्ट किया जाता है, पार्लियामेंट में सस्पेंड हो जाता है, बोलने मौका नहीं दिया जाता है, और पार्लियामेंट में जो भी आवाज़ उठाएगा, जो भी उसका खिलाफ में कुछ बोलेगा, उसके ऊपर में इंक्वायरी हो जाता है, उसके पीछे CBI और ED लग जाता है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि ठीक है, हाँ, गाँव तक आवाज़ पहुँचाने के लिए, आम जनता तक आवाज़ पहुँचाने के लिए एक ही तरीका है कि भारत जोड़ो यात्रा, कि हम गांव की ओर चले, लोगों का पास चले, और हम बताएं कि देश कैसे चल रहा है, किस प्रकार से चल रहा है, और गैस किस प्रकार से टूट रहा है, किस प्रकार से लोगों का अभी कोई गायब हो रहा है, कोई मर्डर हो रहा है, उसके पीछे कोई एक्शन नहीं है, क्यों किसी को रेप हो रहा है, किसी को किडनैप हो रहा है, उसका पीछे कोई एक्शन नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है, उसके लिए कुछ कानून नहीं है, और लोग डर डर करके कहीं भी जाओ, लोग डर डर के जाना पड़ता है, ट्रेन में जाओ वहाँ भी डरना पड़ता है, प्लेन में जाओ वहाँ भी डरना पड़ता है, बस में जाओ वहाँ भी डरना पड़ता है, कोई भी प्रदेश में जाओ वहाँ भी एक दूसरे को विश्वास नहीं है, कमज़ोर होके जाना पड़ता है, डर डर करके जीना पड़ता है, कब मेरा घर में ED आएगा, कब मेरा घर में CBI आएगा, कब मेरा घर में इंक्वायरी आएगा, इस प्रकार से लोग डरा हुआ है। तो इसलिए भारत अभी डरा हुआ है, उसको मजबूत करने के लिए ये भारत जोड़ो आंदोलन है, और लोग भूखा मर रहा है, उसका बाद खाने के लिए कुछ नहीं है, फिर इनकम टैक्स तो इतना लगा हुआ है, जो GST इतना लगा हुआ है, GST रेट डेली बढ़ रहा है, जिस समय में जब कांग्रेस सरकार में जो टैक्स था, वैल्यू एडेड टैक्स सिर्फ 4% पूरा हर सारा कुछ भी सामान खरीदो 4% देना पड़ता था, अभी आप कुछ आपको देखिए अभी 12% है हर आइटम में, और कोई भी रेस्टोरेंट में होटल में आप जाओगे, अब वहाँ मनी रिसीप को देख लीजिए, वहाँ में लिखेगा कि CGST 9%, SGST 9%, 18%, CGST मैंने सेंट्रल जीएसटी, SGST मतलब स्टेट GST, और एक IGST इंटर स्टेट GST, तीन प्रकार से वो लोग टैक्स कलेक्ट करते हैं, एक सामान को वहाँ असम से भी टैक्स दे के लाए खरीदेगा, ईटानगर लेके आएगा, यहाँ भी फिर अनदर 18% दे के खरीदेगा, फिर उसको फिर डिस्ट्रिक्ट ले जाएगा, वहाँ फिर 18% कटेगा, एक सामान को कितना बार टैक्स ले आप सोच के दिए, तो अदमाली के लिए क्या बचेगा? तो इसी का हम लोग खिलाफ कर रहे हैं कि पब्लिक को बता रहे हैं कि ये सरकार इतना लोगों को क्यों लूट रहा है, इतना क्यों तकलीफ दे रहा है, कितना टैक्स क्यों कलेक्ट कर रहा है, इसलिए हम लोग इसका विरोध में हम लोग बात